अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज जो मैं आज रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी रेसिपी है। आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अनियन। अनियन मैंने ये इस तरह से चॉप कटिंग की है। ये मैंने कोई हाफ अनियन लिया, अगर छोटे साइज का तो आप फुल ले सकते हैं। मैं लगी हूँ चिकन, ये मैंने बॉईल किया था चिकन, हाफ कप मैंने ये चिकन लिया है। इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून विनीगर। 1 टेबलस्पून में ऐड करने लगी हूँ चिली सॉस। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून में ऐड करने लगी हूँ चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला। थोड़ी सी मैंने चिली पाउडर लिया है। करने लगी हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये मैंने कैरेट लिए, इसको मैंने चॉप कटिंग की है। ये कोई 4 टेबलस्पून होगी, ये इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैंने ये कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च, ये भी कोई 3 से 4 चम्मच है। वन टेबल स्पून में इसमें ऐड करने लगी सॉल्ट। ये मैंने पोटैटो लिया था 1 अदद, बड़े साइज का था, इसको मैंने बॉईल किया है। ये मैंने इसको मैश किया है, ये इसमें ऐड कर दूँ। ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्चें 1 अदद, इसको ये लिया है मैंने हरा धनिया, इसमें ये ऐड करते हैं। हमारी फिलिंग रेडी है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ये ब्रेड ली है, ब्रेड के मैंने कुछ स्लाइस लिए हैं और ये 5 से 6 अदर मैंने स्लाइस लिए थे, मैंने इसके कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इनकी इस तरह से शेप में मैंने कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से ये यहाँ से ऐसे करनी है, इस कटिंग ऐसे करनी है मैंने कटिंग इनकी। हमारा जो ये मटेरियल था, इनकी जो हमने फिलिंग करनी है, इसको मैं ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से हैंड की मदद से इस तरह से मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसकी बहुत ही छोटे साइज की मिनी मिनी बॉल्स बनानी है। ये देखिए व्यूअर्स हमारी ये बॉल्स रेडी हैं। अब मैंने इनको किस तरह से करना है, जो इस तरह से जो बाकी के ये दूसरे इसके हिस्से थे वो मैंने इनके ऊपर रख दिए हैं। इस तरह से करके हमने रखना है और फिर इस तरह से ऐसे हमने इनको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद कुछ ये इस शेप में आ जाएंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबलस्पून लिए हैं मैदे के। जितनी कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी होगी उतनी हमने मैदे की लेनी है। इन दोनों को हमने इस तरह से मिक्स किया और इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गरम्स। ये देखिए बस मैंने ये एक बना के रख लिया है, बाकी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसको हमने इस तरह से हमने ऐसे प्रेस किया पहले। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का बनाया है मटेरियल, पहले हम इसमें इसको इस तरह से करना है टिप। अब ऐसे सेंटर से करें, फिर
एक ग्राम ये देखिए इस शेप में आ जाएंगे। डाल देना बिस्मिल्लाह। ऐसे ये गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब हमने इनको चेंज कर देनी है इनकी डायरेक्शन इस तरह से, और थोड़ी सी अब हमने हीट इसकी तेज कर लेनी है। हम निकाल लेंगे इस तरह से बस। हमारे ये स्नैक्स रेडी हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बने हैं, बहुत क्रंची। इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।